575 ounces में आपकी जो तिकड़ी है जो हर हफ्ते आती है आपके सामने वो हाजिर है। इस बार थोड़ा बदलाव है, अर्जुन पंडित की जगह ली है उनके दोस्त सिद्धांत एने ने, जो आज डेविल्स एडवोकेट का काम करेंगे हमारे लिए। जेमी और मैं तो अक्सर रहते ही हैं हर हफ्ते बात करने के लिए। तो आज क्या खबर है? आज हम बात कर रहे हैं जो लेटेस्ट आई है, बड़े टाइम बाद कुछ लीक पेपर्स बाहर आए हैं। क्या हुआ है? जब से कोरोना हुआ है पत्रकारों से इतना काम भी नहीं हो पा रहा है, तो अक्सर जो ये खबरें आती थी ये लीक हो गया वो लीक हो गया, वो थोड़ा बंद हो गया था इस कोरोना टाइम में। लेकिन ऐसा लग रहा है थिंग्स आर गेटिंग बैक टू नॉर्मल। जैसे ही कोई चीज लीक हो जाती है पता चलता है हाँ एवरीथिंग इज गेटिंग बैक टू नॉर्मल। तो लेटेस्ट चीज क्या लीक हुई है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक लेटर है जो उन्होंने आईसीसी को लिखा, ये कहते हुए कि इस साल जो हमने कराना था वर्ल्ड T20 वो हम नहीं करा पाएंगे कोरोना के चलते, तो बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए। और ये उन्होंने बोल दिया आईसीसी को। और उसी दिन बाद में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक नई अपनी शेड्यूल जारी कर दिया जहाँ पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे 4 टेस्ट मैच और उसके बाद वनडे भी खेले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में। पहले चर्चा हो रही थी कुछ T20 होंगे यानी, वो अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो पाया, उसमें भी थोड़ी अनबन है बीसीसीआई और आईसीसी के बीच, तो माफ कीजिएगा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो उसका क्या फैसला होगा बाद में पता चलेगा। लेकिन एक चीज तो साफ हो गई है जेमी, आपसे शुरुआत करता हूँ, कि अलग अलग स्टैंडर्ड है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के लिए, आईसीसी के लिए कुछ अलग, बीसीसीआई के लिए कुछ अलग। तो आज की भाषा में बोला जाए तो आप हमें क्रोनोलॉजी को समझाइए। इसका ये है कि देखो यू हैव टू सी के सबसे बड़ी पार्टी जो है आईसीसी में वी ऑल नो वो बीसीसीआई है। अब इनकी कितनी करीबी दोस्त है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ऑन फील्ड आप देखते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया ग्रेट राइवल्स फियर्स कंपेटिटर्स, ऑफ फील्ड ये जिगरी यार है जो शायद अपने आप बैठ के वाइन ग्लास जो है वो क्लिंक करते हैं जब कोई डील करनी है। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो जो हम जानते हैं पिछले 3-4 महीने से कह रही है कि वी आर फाइनेंशियली स्ट्रैप्ड, वी हैव टू ले ऑफ एक्स वाई जेड पीपल, so they build the impression of being a very poor board which they're actually not. isse kya hota hai ki jab when they say that we cannot host, matlab aapko do options hai, ek 16 nation T20 world cup host karna, ab ye bhi aap dhyan rakhe ki australia is one of the few countries which is the closest to opening up its borders as compared to many many countries. to kya wo desh chahegi ki 16 nation ki T20 world cup host kare jisme se probably a safe estimate is $70-80 million ka fayda, या एक इंडिया टूर जहां पे लोग कह रहे हैं कि $300 million इज टू बी गेन बाय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस। तो ये अगर आप रखते हैं टेबल पे तो बिहाइंड द सीन्स आपको साफ जाहिर होता है कि कहां कहां पे आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, कौन से बोर्ड इसकी पक्ष में है। तो फ्रैंकली आई वाज नॉट टू सरप्राइज टू सी टू थिंग्स, वन के द डिसीजन टू टेक अ कॉल ऑन द T20 वर्ल्ड कप वाज डिफर्ड टू June 10th, और दूसरा के वो लीक हुआ था वो लीक, as Nikhil said, आजकल जब लीक हो रही है डॉक्यूमेंट्स तो साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं वो नॉर्मल सी आ रही है। सो देयर इज माय टू सेंस ऑन दिस व्यू ऑन दिस स्टेटमेंट। लेकिन थोड़ा सॉरी जस्ट अगेन बिकॉज मैं थोड़ा मेरी जानकारी कम है तो इसलिए पूछा था कि जो क्रोनोलॉजी है हुआ क्या एक्चुअली, लाइक ये जो रिफ्ट या जो भी डेवलप हो रहा है आईसीसी और बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बीच में, व्हाट हैपेंड व्हेन एंड लाइक जस्ट कैन यू जस्ट ब्रेक इट डाउन अ बिट सो वी कैन काइंड ऑफ अंडरस्टैंड लिटिल बेटर। आप देखते हो कि कब इंटरनेशनल क्रिकेट रिज्यूम होगा, ये है पहली बात, ठीक है। ऑलरेडी आप जानते हो सबसे लुक्रेटिव टूर है इस साल का अगर हम देखें वो इंडिया का टूर ऑस्ट्रेलिया जिसमें 4 टेस्ट मैचेस है, ठीक है। उससे पहले लेकिन आता है 2 सवाल, एक तो बॉर्डर्स कब खुलेंगे और टीम्स कब ट्रेवल कर पाएंगे। उस टूर के बीच में है T20 वर्ल्ड कप जो कि मेरे ख्याल से 2-2.5 हफ्ते की टूर्नामेंट है, इसमें जो है इसमें 16 नेशंस है। जब ऑलरेडी आपके पास बैकलॉग है सीरीज का, टूर्नामेंट्स का, बायलैटरल सीरीज का, द क्वेश्चन कम्स हाउ डू यू क्रैम दिस इन। इस सिचुएशन में आती है बात पैसे की। अब पैसे की आप पूरा ये जो है क्रोनोलॉजी आप समझ सकते हैं, हु विल हैव द फर्स्ट से द मोस्ट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बोर्ड वो है बीसीसीआई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो टॉप 3 में आती है लेकिन आजकल के टॉप 3 में वो सबसे 3 पे आ चुकी है। बीसीसीआई की स्थिति अच्छी है, ईसीबी भी ठीक ठाक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग थ्रू लॉसेस। तो इस सीक्वेंस में द बोर्ड व्हिच हैज द मोस्ट फाइनेंशियल क्लाउड विल स्पीक फर्स्ट। तो ये यहाँ पे हो रही है आर्म ट्विस्टिंग कि देखिए आप, मैं मानता हूँ कि आप ये T20 नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते हैं
इसको आप हटा दो, आप बोल दो कि हमसे नहीं होगा। इससे क्या होता है फायदा, इसमें अभी जो नेक्स्ट स्टेप है एक छोटा विंडो खुलता है T20 आईपीएल का। हम जानते हैं कि आईपीएल की लॉसेस सबसे बड़ी लॉसेस, हम $600 मिलियन जो भी 2000 करोड़ था, आई थिंक निकेल विल गिव द एग्जैक्ट फिगर्स। तो जब ये विंडो आता है आईपीएल होस्ट करने का, ऑस्ट्रेलिया इज नाउ इन बीसीसीआई गुड बुक्स इवन मोर, हम जरूर आएंगे। Keep in mind, no one has spoken about when the borders will open, when the vaccine will be created. This is all speculation. But the same day, जब ये board, बल्कि ये board meeting, IC board meeting के से शुरू से पहले ही Cricket Australia announced the schedule, not afterwards, before. तो यहीं से साफ जाहिर होता है कि what's happening behind closed doors and who runs the ICC. Yeah, I don't think there was ever any doubt who runs the ICC. I think ये तो काफी clear है और जो BCCI मतलब makes no bones about the fact that 70-80-90 जो भी प्रतिशत रेवेन्यू है क्रिकेट का, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का, वो या तो इंडिया बेस्ड कंपनी से आता है या इंडिया टूर से आता है या क्रिकेट टेलीविजन डील्स बेस्ड ऑन द IPL एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। निखिल, आप दिस इज अ कॉन्वर्सेशन मैन दैट्स बीन हैपनिंग फॉर सम टाइम। और जो ये सुंदर अमन ने भी कभी एक स्टेटमेंट आया था बीच में, अगर कि दोनों के बीच अगर चॉइस हो वर्ल्ड T20 कराने के बीच और IPL कराने के बीच, तो ज़्यादातर लोग IPL के पक्ष में होंगे बिकॉज इट्स द मनी स्पिनर एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आपके हिसाब से क्या है सीन, क्या लाइकलीहुड है होने का, मतलब बिकॉज एट दिस पॉइंट लाइक जेमी कह रहे हैं हम सब स्पेक्यूलेट ही कर रहे हैं बिकॉज कुछ क्लियर है नहीं। पहली बात सुंदर अमन की बात हमें तो बैग फुल ऑफ सॉल्ट के साथ लेनी पड़ेगी बिकॉज इस वक्त वो सीईओ है एक आईपीएल टीम के। पहले वो सीईओ थे आईपीएल के, अब एक आईपीएल टीम के हैं, तो वो तो ये कहेंगे कि आईपीएल बड़ा होगा हमारे लिए, तो आप ये कराए। अगर आप पैसे के लिहाज से भी देखें तो रफली सेम है इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल, मार्जिनल डिफरेंस है दोनों की कमाई में अगर आप टीवी राइट्स देखें तो इस वक्त जैसा नजर आ रहा है। तो उसमें मुझे लगता है सुंदर अमन तो ये कहेंगे कि आईपीएल कराएं क्योंकि वो उससे जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर्ड से पूछेंगे, बाकी बोर्ड बीसीसीआई के अलावा बोर्ड से बोलेंगे, तो वो बायलैटरल सीरीज चाहेंगे। जहां तक बीसीसीआई का सवाल है, वो हर सीरीज चाहेगा, वो आईपीएल भी चाहेगा और बायलैटरल सीरीज भी चाहेगा, और वो इस वक्त वर्ल्ड T20 नहीं चाहेगा। आई थिंक पूरी गेम यहाँ पर ये भी आ रही है कि बीसीसीआई को क्या चाहिए। जैसे जेमी ने कहा, इस वक्त हो सकता है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई यू नो वाइन ग्लास क्लिंक कर रहे हैं, दोस्ती दिखा रहे हैं, चेस कर रहे हैं, और वो बहुत टेम्प्ररी है क्योंकि क्योंकि ये पैसे का खेल है, दोनों का फायदा हो रहा है, इसलिए वो इस वक्त दोस्ती निभाने के लिए तैयार है। जैसे ही किसी का नुकसान होगा वो दोस्ती नहीं रहेगी। फिलहाल दोनों का फायदा क्या है, जैसे जेमी ने भी समझाया, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का फायदा ये है कि अगर वर्ल्ड T20 होगा तो प्रॉफिट कम होंगे, अगर इंडिया सीरीज होगी तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा होंगे। तो इस वक्त क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो लॉस में है वो चाहेगा कि इंडिया सीरीज हो और वर्ल्ड T20 ना हो। अब इसमें वही बात है, अगर आप हमारी मदद करोगे हम आपकी मदद करेंगे, तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मदद बीसीसीआई करेगा कि ठीक है आपके लॉसेस हुए, आप इंडिया सीरीज चाहते हो, हम आते हैं आपके यहाँ खेलने, ठीक है अब आप हमारी मदद करो। वो कैसे मदद होगी, आप वर्ल्ड T20 मत कराओ। देखिए दोनों चीज इस वक्त हो सकती है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चाहे अक्टूबर में है वर्ल्ड T20, आप अक्टूबर में करा लो वर्ल्ड T20, नवंबर में है इंडिया सीरीज, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं कराएगी ये। हालांकि दोनों चीजों में उनको प्रॉफिट है, माना वर्ल्ड T20 में छोटा प्रॉफिट है, इंडिया में बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन वो ये नहीं कराएंगे। क्यों, इसके पीछे असली रीजन है, इंडिया कराना चाहेगा आईपीएल अक्टूबर में जब वर्ल्ड T20 हो रहा है। ये है गेम, एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू दैट आईपीएल That India wants to do in October. तो इंडिया ने बोला आप चाहते हैं अक्टूबर में हम IPL करा लेते हैं, तो आप वर्ल्ड T20 कैंसिल करो, हम IPL कराएंगे, आप अपने प्लेयर्स यहाँ भेजो, हम वो कर लेंगे, जैसे ही हमारा खत्म होगा फिर हम आपकी मदद करेंगे, हम आएंगे ऑस्ट्रेलिया और होगी टेस्ट सीरीज और वन डे सीरीज या जो भी है, और आप उससे पैसा कमाएं। तो यहाँ पर ये चीज डिसाइड हो गई है। एक चीज और इसमें बैकग्राउंडर है, हम उस पर आगे भी चर्चा करेंगे, वो है टैक्स इश्यू को लेकर, जिसको लेकर बीसीसीआई बहुत परेशान है, और यहाँ पर बीसीसीआई और आईसीसी की लड़ाई चल रही है। तो तीसरा जो एक फ्रंट है ना, जो हम अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस आईसीसी की बात कर रहे हैं एंड इंडिया हेल्पिंग देम, दूसरा इट्स ऑल्सो इंडिया वर्सेज आईसीसी जिसमें ऑस्ट्रेलिया इज हेल्पिंग देम, उस पर भी हम शायद आगे चर्चा कर सकते। And also, if I can just add on to Nikhil here, because this BCC or CA ka jo relationship itna
इतना टाइट है और इतना खुले में है, इट विल अफेक्ट बाकी बोर्ड्स, लाइक निखिल सर, बाकी बोर्ड बोलेंगे भाई हमारे भी तो बैकलॉग है, अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल दोस बोर्ड्स हैव द फाइनेंशियल क्लाउड ऑफ द टॉप थ्री, तो वहां पे क्या होगा? तो बेसिकली हम जा रहे हैं एक कोलिजन कोर्स में शायद 2021 में, जब इतनी सीरीज की बैकलॉग होगी, दिस ऑल्सो पुट्स द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अंडर थ्रेट, जो कि पिछले दो साल से आईसीसी कह रही है कि ये यू नो वी वांट टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट, मेक इट मोर रेलेवेंट, अब उसका क्या होगा? राइट, आपने दो साल से इसको सबसे बड़ी चीज बनाई, इस पे आप टिप्पणी दे रहे हो 7-8 साल से, अब चलो कोरोना वायरस आ गया है, बट द फोकस इज ऑल नाउ ऑन वन बायलैटरल सीरीज एंड वन टूर्नामेंट और टू टूर्नामेंट्स इफ यू इंक्लूड द वर्ल्ड टी20, वो टूर्नामेंट मेन तो है आईपीएल, अब क्या होगा नेक्स्ट जुलाई जून जब भी था, इट्स सपोज्ड टू बी द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड टी20 चैंपियनशिप, आपके पास इतनी सीरीज नहीं है, बहुत सी टीम्स हैं, मोर देन हाफ द टीम्स हैव नॉट प्लेड इनफ मैचेस एज द टॉप थ्री हैव, सो देयर इज अ बिग कैस्केडिंग वाटरफॉल अहेड ऑफ अस, फ्रैंकली जो हम देख रहे हैं, आई डोंट थिंक आईसीसी हैज द वेयरविथऑल टू फिक्स दैट। और दूसरी बात जेमी, ये जैसे आपने कहा ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, ये वो जो हंगामा हो रहा है, ये आप और मैं भी जानते हैं काफी हद तक लिप सर्विस है, यू नो आईसीसी को बिल्कुल दिखाना है कि हम टेस्ट को बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़ा कंपेटिटिव बनाना चाहते हैं, लेट्स डू अ टेस्ट चैंपियनशिप, तो वो कर रहे हैं, वो लिप सर्विस। अब जब डॉगी डॉग सिचुएशन आ गई है कोरोना की वजह से, जहां सब एक दूसरे का नोच रहे हैं खाना, क्योंकि अब सबको पैसे चाहिए, सब लॉसेस में, तब वो असलियत सामने आती है ना इंसान की, वही कहते हैं कि वी कैन ऑल बी वेल बिहेव्ड इन अ सोसाइटी, जब हमें दो वक्त का खाना मिल रहा है, सोने की जगह मिल रही, जैसे ही आप मुझे खाना नहीं देंगे, हम तीन दोस्त हैं, जब हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम आपस में लड़ेंगे, अभी हम हैं एक दूसरे को शेयर करेंगे, हाँ आई बाय यू कॉफी, आई बाय यू फूड, द डे वी डोंट हैव एनी, हम लड़ जाएंगे, वही चीज अब हो रही है, आई थिंक वो लिप सर्विस थी टेस्ट क्रिकेट टेस्ट। बिल्कुल, अब जब सुपरफिशियल, इट्स वेरी सुपरफिशियल, हाँ अब पैसे नहीं है, नाउ दे विल से फॉरगेट एवरीथिंग, वी वांट टू मेक आवर मनी, वी हैव टू सर्वाइव, नाउ वी विल डू थिंग्स दैट विल हेल्प अस सर्वाइव, और उसके साथ आई थिंक दैट्स व्हाट दे विल डू। But so which brings me to the question, guys, to both of you. I mean, there are lots of questions actually. काफी दिलचस्प कहानी बन रही है ये, like because lots of sort of tracks are developing out of it. One is that कि बगैर एक दूसरे की मदद या एक दूसरे के participation, जो ये sport का पूरा framework है, वो कैसे चल सकता है? The minute मैं और आप, जैसे अगर हम इमेजिन कर लें कि आप बीसीसीआई हैं, निखिल आप क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हैं, मैं ईसीबी हूं, अगर हम आपस में अपना मिलजुल के प्लानिंग करना बंद कर दें, ऑफ कोर्स यहां पे अदर मेंबर नेशंस मस्ट आल्सो बी इंक्लूडेड, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट एटलीस्ट इफ यू लुक एट इट फ्रॉम जस्ट बिकॉज इट्स जस्ट थ्री ऑफ अस, द मिनट वी ट्राई टू टेक थिंग्स आउट ऑफ ईच अदर्स प्लेट, डजंट द होल स्ट्रक्चर फॉलो अपार्ट? But you know the one big difference is Siddhant, which is why cricket बहुत different है किसी भी और sport से अगर हम बात करेंगे, because यहाँ पर the structure is so you know unorganized in the sense. Now I give an example, आप football का example ले लें, there is only two sets there, one is FIFA, ठीक है, one is the different you know leagues of different country, whether it's Spain, whether it's you know England. अब उसमें कैलेंडर इज क्लियर कट मार्क, इस टाइम आप हर साल मार्क है, इट्स सो वेल ऑर्गेनाइज, हर साल मार्क है, आपको पता है ये कब सीजन है, कब कब सीजन खेलते हो, ये इंटरनेशनल के लिए विंडो है, तब फीफा अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, खत्म। क्रिकेट में ऐसा कुछ है ही नहीं, आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल टू पीपल टू अंडरस्टैंड वन बेसिक एग्जाम्पल, दैट वर्ल्ड कप वॉज बींग अलॉटेड, जो रूल है इज ऑन रोटेशनल बेसिस, ठीक है, रोटेट करके, but that rotational policy has never been accepted or has been followed, kabhi nahi, matlab 2011 that rotational policy ke mutabik world cup should have been in australia new zealand, but it happened in india, so there everything happens arbitrarily, koi wahan pe kuch aisa wo nahi hai, jisne jo decide kiya bcci ne bola acha hai icc hum aapko itne paise denge chodo australia new zealand yahan ka, to unhone bola ha yahan kar dete, yahan pe ye halat hai ki jo 2021 जो वर्ल्ड टी20 है, जब हम टैक्स के बारे में बात करेंगे तब भी है, जो 2021 में इंडिया में वर्ल्ड टी20 होना है, जब वो अलॉट हुआ था तब वो वर्ल्ड टी20 नहीं था, वो चैंपियंस ट्रॉफी थी, इंडिया हैड गॉट द चैंपियंस ट्रॉफी, सो यू सपोज टू द चैंपियंस ट्रॉफी, यू चेंज चैंपियंस ट्रॉफी टू वर्ल्ड टी20, सो एवरीथिंग हैपेंस, यू नो कल हमने डिसाइड कर लिया ये कर देंगे तो वही चीज हो जाती है, तो इतनी चीजें चेंज, विच इज वाई क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट, तो यहाँ पर तभी लड़ाई होती है, इन इन फुटबॉल
ईपीएल इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लालीगा इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बुंडसलीगा एंड वाइस वर्सा. यहाँ पे क्योंकि आप आपस में खेलते हो इट मैटर्स टू डिपेंड है, सब अपना अपना चलते हैं. आप लड़ाई वहां पे सिर्फ फीफा और लोकल बोर्ड्स की हो सकती है, अब जब कोरोना में हुई है उसमें भी इफ यू सीन जैसे कोपा हैज बीन शिफ्टेड, यू नो दे शिफ्टेड इट फॉर नाउ, दे'ल डू इट सम अदर ईयर. इतने इंटरनेशनल होते नहीं. क्रिकेट इज अ वेरी यूनिक एंड अनयूजुअल सॉर्ट ऑफ अ स्पोर्ट. क्योंकि आपने फुटबॉल की बात अब छेड़ ही दी है तो मैं ये दोनों को, आप दोनों को ये सवाल पूछूंगा कि क्या ये एक मौका है बीसीसीआई और जो बाकी पावरफुल शक्तिशाली पैसे वाले इम्पोर्टेंट जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, वंस एंड फॉर ऑल आईसीसी को सीन से हटा देने का. क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हम कहें कि जो आईपीएल, बिग बैश, इंग्लैंड का जो T20 चैंपियनशिप है, ऑल ऑफ दीज टूर्नामेंट्स आर, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ प्योर मनी परस्पेक्टिव, द मनी स्पिनर्स बोथ फॉर द प्लेयर्स इन्वॉल्व, जो खिलाड़ी खेलते हैं आते हैं जो सैलरी ले तनख्वाह लेते हैं, और जो बोर्ड्स हैं उनके लिए जो फैंस हैं वो स्टेडियम भर भर के आते हैं. तो क्या ये एक मौका है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए कि वो जो पुराना क्रिकेट का जो फॉर्मूला था जो ज़्यादातर इंटरनेशनल टीम्स के बीच मुकाबलों पे आधारित है, राइट, बायलैटरल सीरीज आप पहले खेलते थे, ये काफ़ी मायने रखता था, दो दो तीन तीन चार चार महीने के टूर्स होते थे, पांच पांच टेस्ट मैचेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ दैट फोकस हैज शिफ्टेड टू दिस काइंड ऑफ क्लब कॉन्सेप्ट, जो एक्चुअली फुटबॉल या बाकी स्पोर्ट से क्रिकेट ने समवट बोरो किया है. लेकिन अब ये हमें पता चला है कि ये ज़्यादा मतलब पैसे वाला फॉर्मेट है, ज़्यादा लोगों को मनोरंजन मिलता है इससे एट्सेट्रा. सो क्या इस टाइप का कुछ मूवमेंट आप लोगों को लग रहा है कि इस डायरेक्शन में क्रिकेट बढ़ेगा? मुझे तो नहीं लगता फॉर टू रीजन. एक तो जो आपने बात किया ये T20 लीग्स का, इन सब में से इट्स स्टिल आईपीएल यहाँ पे है, और बाकी अगर आप सात भी लीग खेलते हो आप वो सात लीग खेल के आप इतना नहीं कमाएंगे जो आप एक आईपीएल सीजन से. बल्कि हम बात करें बिग बैश लीग की, उसमें क्या है इंडियन प्लेयर्स तो नहीं है, तो जब तक इंडियन प्लेयर्स उसमें नहीं है द ब्रांड वैल्यू इज स्टिल नॉट दैट थिंग. दूसरी बात है दिस ऑल्सो क्लैशेस विद द न्यूजीलैंड सीजन, तो जो न्यूजीलैंड के जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है ground. तो इसमें से हाँ, while a certain kind of player can earn a lot more money, the top player still will prefer playing in the IPL. So, वहाँ पे this also goes back to your question. It's also skewed in the favor of one board, the BCC. But ICC, you need to put up a front कि एक board है जो cricket चला रही है. हालांकि हम जानते हैं कि उस board को कौन चला रहा है. लेकिन जब आप उसको तोड़ दे, उस notion को, even though I'm not sure many people even buy into this notion, you still need to keep the notion of a board running it. हम चाहेंगे कि उस board में काफी और strong characters आए. Not just people who have come from the corporate world or former players. The IC, but the way the IC is run, that structure has to change. But again, it's very simplistic for me to sit here and say it. I don't see it happening. और दो चीजें सिद्धांत जिससे ये नहीं हो सकता, and two very crucial factors why it cannot go football's way या basketball's way जहाँ NBA होता है वो नहीं हो सकता. दो रीजन है. एक तो जैसे जेमी ने कहा कि बाकी जो T20 लीग्स हैं वो इतनी बड़ी नहीं है, तो एक ऑप्शन उसका ये हो सकता है भाई, इफ 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 आई एम प्लेइंग इन लालीगा और ईपीएल और जहां भी खेल रहा हूं मैं मेरी पूरे साल का लाइवलीहुड मिल रहा है, मैं 8 महीने खेल रहा हूं, है ना. तो अगर आईपीएल 8 महीने हो जाए और मी एज अ प्लेयर आई नो दैट माई फुल सीजन इज टेकन केयर ऑफ, तो मैं कर सकते हो, तो आप इस बारे में सोच सकते हो. फिलहाल नहीं हो रहा है. वही एग्जाम्पल हो जाए फुटबॉल का, अगेन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जब ISL की बात यही हो रही थी कि अगर आप 2 या 3 महीने ISL कराओगे तो फुटबॉलर इज नॉट एंगेज पूरे टाइम, तो आपको एक लंबी लीग करानी पड़ेगी. एंड देन आई नो कि हाँ मेरा एक पूरा एक लाइवलीहुड है. तो आई थिंक ISL दैट वे इज ट्राइंग टू मूव इन दैट डायरेक्शन. तो या तो आप IPL को उस डायरेक्शन में लेके जाओ कि भाई 8 महीने खिलाओ, देन यू कैन रिमेनिंग 4 मंथ्स आप देख लो इंटरनेशनल क्रिकेट कैसे खेलोगे, वैसा. ये एक रीजन है. बट द बिगेस्ट रीजन वो वैसा कभी नहीं हो सकता इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन नेशनल क्रिकेट वर्सेस क्लब क्रिकेट. नाउ इन फुटबॉल अगर मैं
स्पेन में बार्सिलोना का फैन हूँ या रियल मैड्रिड का फैन हूँ या इंग्लैंड में लिवरपूल या आर्सेनल के लिए, एज अ फैन फॉर माय क्लब टू विन चैंपियंस लीग, मैं अगर इंग्लैंड इंग्लिश हूँ शायद मेरा क्लब अगर लिवरपूल चैंपियन लीग जीते मैं ज्यादा खुश हूँ, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीते शायद ना खुश हूँ, बिकॉज क्लब कम्स अहेड ऑफ द कंट्री. मतलब दैट इज द लेवल ऑफ फैनेटिज्म, द हिस्ट्री, द लव फॉर द क्लब, ऑल ऑफ दैट एग्जिस्ट. इंडिया में आई डाउट चाहे आप कितना भी बोल लो कि लोग चेन्नई के फैंस हैं, थाला के फैंस हैं या मुंबई के फैंस हैं, केकेआर के फैंस हैं, बट वो आईपीएल के रहे. लेकिन अगर आप उन्हीं लोगों से पूछोगे कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए क्रिकेट का या T20 वर्ल्ड कप जीत जाए जो भी आप खेल रहे हो या आपकी टीम आईपीएल जीत जाए, 90% पीपल विल से इंडिया विनिंग अ वर्ल्ड T20 या वर्ल्ड कप, व्हेयरएज आईपीएल इज नॉट दैट गुड. तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है. तो आईसीसी नोज दैट द इंपॉर्टेंट. चलिए शुक्रिया, एटलीस्ट इतना तो है. दैट इज वॉट आई सी सी नोज ऑफ क्रिकेट इको सिस्टम नोज की इंटरनेशनल क्रिकेट अभी भी बहुत ऊपर है. फुटबॉल में शायद वो गिर गया हो, क्लब की इंपॉर्टेंस इतनी चली गई है ऊपर, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ. इंडिया पाकिस्तान मैच एक तरफ और सारे आईपीएल के मैच एक तरफ, इट्स द सेम थिंग. सो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई डोंट. नहीं, ये तो आपकी बात बिल्कुल जायज है, और बट मैं इसमें बस इतना है कि जो ये आईपीएल है ऑल्सो इज नॉट दैट ओल्ड एज अ टूर्नामेंट. जो इसके जो फैन बेस लॉयल्टी वगैरह है वो काफ़ी नहीं है. अगर जैसे चैंपियंस लीग को देखा जाए वो 60 साल से ऊपर मतलब चल रही है, तो जो उसकी अहमियत है वो धीरे धीरे बढ़ी है. इनफैक्ट अगर हम फीफा वर्ल्ड कप को भी देख लें, जो शुरुआत में द वे इट वॉज वेरी यूरोसेंट्रिक टूर्नामेंट, यू नो साउथ अमेरिकन टीम्स वर मोर फोकस्ड ऑन द ओलंपिक गेम्स एंड सच लाइक, बिकॉज उस टाइम पे जनरली जो स्पोर्ट का पूरा स्ट्रक्चर था वो काफ़ी एमेचर था, और ओलंपिक्स वॉज लाइक द बिग थिंग कि जो साल में 4 बार होता है और जो भी हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो दैट्स वेयर वी हैव टू शो आर सॉर्ट ऑफ एक्सीलेंस. बट ओवर टाइम दैट चेंज्ड एंड द वर्ल्ड कप एस्टैब्लिश्ड इटसेल्फ एंड देन क्लब फुटबॉल ऑफकोर्स हैज बिन लाइक वेरी सेंट्रल इन द होल थीम एंड इट बिगैन लाइक दैट. इन फैक्ट the whole sport of football started probably from club sides and then wo jo game ke laws wagera the wo codify hue etc etc aur uske baad international matches shuru hue. to I guess aur वैसे भी अगर देखा जाए तो जो football ki lokpriyata hai ab duniya mein har desh khelta hai us sport ko, to cricket se comparison karna fair bhi nahi hai kuch had tak. बट आई वॉज जस्ट मतलब हम तो ऐसे ही थियराइज कर रहे थे कि लाइक क्या पॉसिबिलिटीज हैं नहीं हैं. सो फेयर इनफ, आप कह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट विल नॉट फॉर द टाइम बीइंग एटलीस्ट बी ओवरलुक्ड बाय बाय दिस बोर्ड. सॉरी जेमी, यू वांटेड टू से समथिंग. आई एम सेइंग लिंक व्हाट यू आर बोथ सेइंग एग्जैक्टली, बिकॉज़ आपकी जो सक्सेस है कोई भी टूर्नामेंट का, कोई भी सीरीज, कोई भी स्पोर्ट का, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी. और जब इंटरनेशनल क्रिकेट मतलब सालों से फॉर डेकेड्स इट्स बीन अ नेशनल स्पोर्ट, एग्जैक्टली जैसे आपने कहा था आईपीएल क्या 10-11-12 साल से है. अगर हम इंडिया में बोर्न होके पूरे यहाँ रह के इफ वी हैव एन अलीजेंस टू अ यूनाइटेड और यू नो और अ बार्सिलोना और अ न्यूयॉर्क यैंकीज, बिकॉज़ वी बीन बोर्न इनटू अ फैमिली वेयर समवन आवर फादर अंकल ही हैड अ लॉयल्टी टू अ क्लब. तो आईपीएल इज स्टिल टू यंग अ टूर्नामेंट टू हैव दैट. शायद कुछ 2 जनरेशन बाद अगर कोई आज का छोटा बच्चा है जिसके फादर या बड़े भाई या मामा चाचा अगर वो सीएसके के बहुत बड़े फैन है, तो इट इज ऑन देम टू इंबाइब दैट सेंस ऑफ लॉयल्टी इनटू इट. तो अभी फिलहाल एग्जैक्टली लाइक निखिल सेड, इंडिया इज स्टिल इन दिस फेज वेयर इट्स ऑल नेशनैलिटी. हो सके 20 साल बाद इट विल चेंज टू क्लब फॉर्मेट, पर फिलहाल अभी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फेयर इनफ. निखिल, आप कुछ टैक्स के बारे में बात कर रहे थे एंड हाउ दैट प्लेज अ पार्ट इन इट. वही चीज पे मैं वापस जा रहा हूँ, ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्यों इस चीज पर आया. और ऑस्ट्रेलिया ने जैसे मैंने कहा एक दूसरे को हेल्प करो, ऑस्ट्रेलिया ने ऑफर ये दिया है जो हम लीक लेटर के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा हम अभी नहीं करा सकते. उन्होंने ऑफर ये दिया कि आप हमें नेक्स्ट ईयर दे दो 2021 में, ठीक है, लेकिन 2021 में इंडिया को कराना है वर्ल्ड T20. तो उन्होंने कहा इंडिया को 2022 में दे दो. तो यहाँ पर एक गेम है, आई थिंक दिस ऑल्सो दे मे बी हेल्पिंग इंडिया इन दैट सेंस. बिकॉज अगर एक और चीज जो पैरेलली चल रही है सबके बीच वो है टैक्स को लेकर लड़ाई. तो ये हुआ था कि आईसीसी ने कहा था कि अगर आप करा रहे हो वर्ल्ड T20 यू विल हैव टू गेट टैक्स एग्जेम्पशन फ्रॉम योर कंट्री. आपको करानी पड़ेगी, 10% इंडियन गवर्नमेंट TDS काट लेती है. तो आप और हमारे TDS नहीं कटता, उस लेवल पे भी 10% TDS कट रहा है.
सो लास्ट टाइम क्या हुआ था, करीब 128 करोड़ का टीडीएस कट गया था जब 2016 में इंडिया ने वर्ल्ड टी20 कराया था। वो जो 128 करोड़ का जो टीडीएस है वो आईसीसी से ब्रॉडकास्टर ने काट लिया। तो स्टार जो ब्रॉडकास्टर है उसने कहा देखो 10% हमें यहाँ देना पड़ा, तो जो हम आपको टोटल पैसा दे रहे हैं हम 128 करोड़ उसमें से काट रहे हैं। सो दैट हर्ट आईसीसी द मोस्ट। तो इस बार आईसीसी ने पहले कह दिया भाई इस बार आप करा रहे हो 2021 में तो आप टीडीएस माफ कराओ। अब द थिंग इज कम टू दिस कि एक साल रह गया उस टूर्नामेंट को और अभी तक वो माफ नहीं करा पाया बीसीसीआई इंडियन गवर्नमेंट से। तो आईसीसी ने थ्रेटन किया कि हम अब आपका टूर्नामेंट खेलेंगे। तो बीसीसीआई ने कहा नहीं आप हमें थोड़ा समय और दो, अभी कोरोना हो गया था तो गवर्नमेंट डजंट हैव टाइम टू लिसन टू दिस, आप हमें थोड़ा टाइम और दे दो एंड वी विल सॉर्ट दिस थिंग आउट। नाउ इट इज इंटरेस्टिंग कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये प्रपोजल दे रहा है कि अगले साल हम करा लेते हैं एंड इंडिया को आप 22 में दो, दैट गिव्स इंडिया वन मोर ईयर नाउ करेक्ट टू सॉर्ट दिस इशू आउट। तो यहाँ पर जैसे अनदर वही मैंने कहा ना यू हेल्प मी आई हेल्प यू, ये सब दिस गेम बीइंग प्लेड बिहाइंड दिस अलाउ इंडिया या वो टैक्स करो। और इस बार टैक्स आई थिंक बिकॉज इट वॉज अबाउट 2600 ऑड करोड़ की जो टीवी डील हुई है फॉर दिस, तो उस इकलौते वर्ल्ड टी20 से 260 करोड़ रुपए टैक्स में कट जाएंगे विच इज अ ह्यूज अमाउंट 260 करोड़ विच आईसीसी विल हैव टू फॉरगो जो स्टार काट लेगा। सो दे डोंट वांट दैट टू हैपन। इंडिया ने भी कहा नेक्स्ट, सो एज आई सेड एवरीथिंग इज प्लेइंग आउट वेरी वेल। वो पजल है ना पीसफुल टो रहे हैं इफ यू लुक एट ऑल ऑफ दीस थिंग्स। इसको ये जो भारतीय सरकार है एक्चुअली इस समय और जिन जिनकी आज हम ये ग्रेट सरकार जिन जिनकी आज हम सालगिरह मना रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है ये, क्योंकि एक तरफ जो हम देख रहे हैं काफ़ी टाइम से इकोनॉमी का जो भारतीय इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का जो हाल है और डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ GST एंड ऑल दीज अदर थिंग्स दैट वॉज सपोज टू रिफॉर्म द वे टैक्स मार्केट इन इंडिया फंक्शंस, द फैक्ट इज अब हम सबको पता है कि जो सरकार का न्यू रेवेन्यू जनरेशन है वो बुरी तरह से हिट है, और चाहे केंद्र सरकार को ले लें या अलग अलग राज्य सरकारों को ले लें सबके पास मतलब पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत है और एंड देयरफॉर सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर अकरिंग बिकॉज जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो नहीं हो पा रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्या कहते हैं पूरा पूरा सवाल है बिकॉज जो सरकार में लोग हैं वही BCCI में भी लोग हैं, तो क्या करेगी सरकार, टूर्नामेंट करवाएगी या टैक्स माफ करेगी? विल द मिनिस्टर लिसन टू हिज सन और विल ही लिसन टू हिज फ्रेंड इन द PM? नाउ ही विल बी स्प्लिट, एक तरफ उनके बेटे हैं एक तरफ उनके पुराने दोस्त हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अब वो देखना पड़ेगा किस तरह है। और इसी में मैं अगर एक और चीज बोलूं, इसी के अंदर आप एक डिफरेंस देख सकते हो, अगर वर्ल्ड टी20 अगर ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो खबर आ रही है कि द लॉसेस व्हिच ऑस्ट्रेलिया विल इनकर फ्रॉम नॉट और विल नॉट होस्टिंग इट, उनमें से 50 मिलियन रफली विल कम फ्रॉम नॉट हैविंग पीपल इन द स्टेडियम्स, ठीक है, दैट्स ऑन टॉप ऑफ द 30 मिलियन नॉट हैविंग ब्रॉडकास्ट राइट्स। वहां ये ज्यादा मायने रखती है, इंडिया में वैसे ही आम आदमी जो स्टेडियम में आते हैं इसको अगर आप देखें, एक तरफ तो इतना नुकसान हो रहा है जैसे कोरोना की वजह से, तो आप चाहेंगे कि जैसे आपने कहा गवर्नमेंट चाहेगी कि टैक्स नहीं हटाएं, बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि इंडियन गवर्नमेंट व्हाई डजंट इट लुक एट ऑल द अदर बेनिफिट दैट कम विद इट। अगर आप कोई भी स्टडी को पढ़ेंगे ना, कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इफ इट्स ऑर्गेनाइज्ड इन योर कंट्री यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, नॉट जस्ट डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को सीधा ऐसे पैसा तो नहीं आता, बट आपकी इकोनॉमी में बहुत पैसा आता है, whether it is through advertising, whether it is through fans coming. हमें पता है कि Indian cricket fans in UK, US, you know, they travel a lot, आपके hotel bookings होती हैं आपके, मतलब there is so much of, you know, periphery में इतना पैसा आता है, I cannot understand why Indian government doesn't allow. I'll give you an example of Formula One also, जो इंडिया में हुआ था, उसके पीछे to pull the plug off, the biggest reason was that the Indian government would ask for एंटरटेनमेंट टैक्स एंड इसके ऊपर एक एक्सटॉर्शन मनी, दैट एक्सटॉर्शन मनी वाज कॉल्ड नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड,
इन विच दे वुड टेल द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ फॉर्मूला वन कि आप हमें जो भी है 250 या तो कितने करोड़ रुपए दो फ्रॉम फॉर्मूला वन टू हेल्प अदर स्पोर्ट्स. सो एट द टाइम व्हेन द फॉर्मूला वन ड्राइवर्स सेइंग कि वी आर सेल्स आर ट्राइंग टू यू नो जस्ट स्टार्ट, अभी तो हमारे जेब से पैसे जा रहे हैं, लेट अस जस्ट ग्रो दिस. अब हम यहाँ से पैसा बाकी स्पोर्ट पे कहाँ से दें? व्हाट दे डिडंट रियलाइज, सी दैट्स व्हाट आई थिंक, थोड़ी शॉर्ट साइटेडनेस है कि आप ये देखते हो अच्छा ये हो रहा है हमें कितने पैसे मिलेंगे, ये इवेंट हो रहा है, बट यू डोंट रियलाइज. और मैं इसमें अगर टाइम है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा. करुण चंदोक ने मुझे बताया था कि वो जब पहली फॉर्मूला वन रेस इंडिया में हुई थी, ही वाज सिटिंग समवेयर अब्रॉड एंड वाचिंग इट ऑन टीवी विद द सीईओ ऑफ बेंटले, राइट? ही वाज सिटिंग एंड वाचिंग इट ऑन टीवी एंड ही सेड फॉर द फर्स्ट टाइम ही नोटिस्ड हाउ वेल इंडिया वाज ऑर्गेनाइजिंग द ग्रैंड प्री. सो ही सेड वी हैड नेवर बीन टू इंडिया, ही सेड मे बी आई गो टू इंडिया एंड सी व्हाट द मार्केट इज. सो देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स दैट कम विद यू ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्टिंग इवेंट व्हिच यू डोंट रियलाइज. यू सी द पैसे का खेल नहीं है, बैलेंस शीट पे नहीं दिखता, बट आप एंड अप करते हो पैसा कमाना. वंस द गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट रियलाइजेस, आई मीन आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल, बाकी जगह गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज स्पोर्टिंग इवेंट्स. इन सिंगापुर द ग्रैंड प्री इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द सिंगापुरियन गवर्नमेंट, नॉट दैट दे गेट एनी मनी, दे रियलाइज बिकॉज उसकी वजह से इतना टूरिज्म, इतनी चीजें बढ़ती है दैट द होल कंट्रीज इकोनॉमी गेट्स अ बूस्ट फॉर द एंटायर. ये शॉर्ट साइटेडनेस इंडियन गवर्नमेंट में, आई एम नॉट ब्लेमिंग दिस गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट्स दैट हैव कम बिकॉज दे जस्ट सी अ बैलेंस शीट, ये हो रहा है इतना पैसा आ रहा है इतना पैसा जा रहा है, दे डोंट रियलाइज टू ऑर्गेनाइज अ स्पोर्टिंग इवेंट रियली पुट्स यू ऑन द मैप एंड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स कम इन फॉर वेरियस अदर रीजंस टू स्पोर्ट व्हिच नो वन लुक्स एट एंड देयर इज नो स्टडी दैट इज स्टडी. No, fair enough. And this is maybe something that we can like talk about separately also. चाहे इसरो पे हो या किसी और, मतलब किसी और प्लेटफॉर्म पे, बट ये थोड़ा बात करना चाहिए कि बिकॉज आजकल इस साल जैसे सब पता ही होगा लोगों को कि ओलंपिक गेम्स भी होने वाले थे जापान में, और अभी काफ़ी जोर शोर से बात चल रही है बहुत, शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं एज वेल एज थॉमस बाक जो IOC के प्रेजिडेंट हैं, दोनों ने कहा है कि अगर 2021 के विंडो में अगर ये ओलंपिक गेम्स नहीं हो पाए तो फिर गेम्स को कैंसिल करना पड़ेगा. सो थिंग्स आर हैपनिंग ऑन अ फेली अनप्रेसिडेंटेड स्केल, मतलब ये हुआ नहीं है पहले, यू नो. सो क्या क्रिकेट के लिए भी ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं कि एक तो अगर देखा जाए तो कुछ टूर्नामेंट्स इनमें से IPL जैसे हो गया सालाना होते हैं, कुछ और टूर्नामेंट्स हैं जो 2 साल में 3 साल या 4 साल में एक बार होते हैं, तो उनका साइकिल जो जो वंस इन 4 ईयर्स हो गए उनका साइकिल तो मच हार्डर है कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो सालाना टूर्नामेंट होते हैं इसको पोस्टपोन करने से या पुश फॉरवर्ड करने से, या एक साल अगर हम रद्द कर दें और अगले साल से शुरू करें देखें क्या होता है, तो इससे क्या नुकसान होगा ओवरऑल क्रिकेट के जो स्ट्रक्चर है? देखो इसमें ऐसा है, वी ऑल नो के नो बडी द पावर्स दैट बी विल नॉट वांट द IPL टू एवर बी पोस्टपोन्ड, तो मतलब कैंसिलेशन तो दूर की बात है. अब क्या है, कुछ कुछ इन वन ऑफ द अर्लियर क्वेश्चन निखिल वाज टॉकिंग अबाउट द टैक्स इशू और किसका क्या क्या कट रहा है. मेरा ये व्यू है कि जो जिसका एक्चुअली कट रहा है वो है द इमेज ऑफ ICC इवेंट्स. हम सालों से देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी कभी विल स्क्रैप इट ओ विल ब्रिंग इट बैक. In all this tussle between boards and leagues and BCC and IPL, kaha kiski value kam ho rahi hai, wo hai ICC events, which we have done shows on this, how the ODI bilateral is not important and it should be about playing for a tournament. Ab kya hai ki, will it look good on the ICC spot agar ek hi saal mein do T20 World Cups ho, mazak ho jayega, right? Because you already have, ek to isme already itni shock ki baat hai ki ek saal ke andar aap do host kar rahe ho. इससे पहले इट इज एवरी 2 years, 3 years, यू हैव नॉट बीन एबल टू इन ऑल दीस इयर्स फाइंड आउट अ सॉल्यूशन फॉर व्हेन डू यू वांट टू हैव योर T20 वर्ल्ड कप्स एंड योर चैंपियंस ट्रॉफी. वर्ल्ड कप हमेशा हमेशा हर 4 साल में हुआ, ये इसमें कभी कोई टिंकरिंग नहीं हुआ है. क्यों टिंकरिंग होता है चैंपियंस ट्रॉफी में, इसको निकाल दो, ये नाजायज बच्चा है, कुछ काम करिए. इंडिया जीत के नहीं, अब हम इसको 2-3 साल में करेंगे. लाइक निखिल सेड, देयर वाज अ विंडो फॉर चैंपियंस ट्रॉफी व्हिच बिकेम अ T20 वर्ल्ड कप. तो दिस सेल्स कि ICC इटसेल्फ इज नॉट श्योर हाउ टू कीप इट्स ओन प्राइस टू पोजीशंस गोइंग, तो इसलिए आई डोंट सी इट हैपनिंग. और आल्सो बिकॉज़ द IPL इज द कैश काउ व्हिच एवरीबॉडी वांट्स टू मिल्क, आई मीन आई हैव टू से इन एज क्रूड टर्म्स, तो वो कभी कहीं पोस्टपोन नहीं होगा. व्हाट विल सफर इज द T20 वर्ल्ड कप्स एंड द चैंपियंस ट्रॉफीज. फेयर इनफ. सो व्हाट डज दिस मीन, बिकॉज़ जब हमने ये शो शुरू किया था उस टाइम पे पिछला जो ICC वर्ल्ड कप था वो होने को जा रहा था,
और उस टाइम हम ये बात कर रहे थे कि क्योंकि टीम्स जो खेल रही थी इस टूर्नामेंट में, उस नंबर को रिड्यूस किया गया था, और जो एसोसिएट नेशंस थे उनको थोड़ा अलग कर दिया गया था सीन से, ताकि टूर्नामेंट को कंडेंस किया जाए, लेवल ऑफ कंपटीशन को रेज किया जाए, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी लॉजिक था। सो ये जो आज का सिनारियो है, अब हम बीसीसीआई के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, एक तो कितना अमीर है बीसीसीआई, और दूसरा कितने पैसे विल बी लॉस्ट बिकॉज ये सब पोस्टपोनमेंट वगैरह। सेम विथ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी, दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बोर्ड्स। बाकी क्रिकेट बोर्ड्स, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो गए, श्रीलंका हो गए, या फिर एसोसिएट मेंबर्स हो गए, इनका क्या सीन है और इन पे क्या असर पड़ेगा? सॉरी, ये सारे बोर्ड तो चाहेंगे कि वर्ल्ड T20, क्योंकि वो बायलैटरल सीरीज से उतना नहीं कमाते जितना वो आईसीसी टूर्नामेंट के लिए कमा लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है आप थोड़ी सी क्रिकेट वर्ल्ड, जैसे हमने कहा ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक साथ इसलिए हो गए क्योंकि दोनों का फायदा हो रहा है इस पर, तो वो जुड़ गए एक साथ। ठीक है, इंग्लैंड एक और बोर्ड है जो थोड़ा अमीर है और उसका अच्छा खासा डोमेस्टिक सीजन अभी आना है, टीमें आ रही हैं एंड दे हैव अ गुड डील विद स्काई, वो अपनी कमाई करेंगे। ठीक है, तो ये तीन बोर्ड, कोई बिग थ्री जो पिछले टाइम में किया था वो अभी भी चल रहा है डिफॉल्ट, हालांकि अब इस तरह से नहीं है जैसे पहले था, क्योंकि ये तीन बोर्ड तो चाहेंगे बायलैटरल हो, क्योंकि दे आर सेल्फ सफिशिएंट, दे नो हमारे देश में होगा पैसा, यही है स्पॉन्सर, यही है टीवी राइट्स, यही है, हम तो चलेंगे ऑल अदर क्रिकेट। सो अगर आप मिसाल के तौर पर अभी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से बात कर लो या वेस्ट इंडीज बोर्ड से बात करो, जैसे भी आप एग्जाम्पल ले रहे हो, वो तो सब चाहेंगे वर्ल्ड T20 हो, क्योंकि उनका पूरा डिपेंड करता है वो वर्ल्ड T20 में पार्टिसिपेट करना। आईसीसी के पाए से आपको पैसे मिलते हैं टू पार्टिसिपेट, प्लस उसमें प्राइज मनी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे 2019 वर्ल्ड कप हुआ तो यू नो $4 मिलियन विनर्स गॉट, ठीक है, जो आपके रनर्स अप है उन्हें $200 मिलियन मिले, जो आपके सेमीफाइनलिस्ट है उन्हें यू नो $8 लाख पर सेमीफाइनलिस्ट मिला, तो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी दैट यू नो दीस टीम्स आल्सो गेट। सो इन कंट्रीज के लिए उतना पैसा बहुत मैटर करता है। तो बाकी अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को छोड़ दें फिलहाल, बाकी सब चाहेंगे कि वर्ल्ड T20 हो, और यहाँ पर आईसीसी स्ट्रांग होना जरूरी है, विच कैन देन डिसाइड मेजोरिटी के साथ, जो अगर वो होता नहीं, आपको पता है बोर्ड मीटिंग में भी ये हो जाएगा कि अगर आप पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज के हम जो या जो भी और कोई बोर्ड से बात कर रहे हैं उनको अगर वोट करना भी पड़े तो इंडिया बोलेगा अच्छा हम आपके साथ एक टूर कर लेंगे ना, क्या करना, वर्ल्ड T20 इंडिया आ जाएगी, यू विल मेक मोर मनी, तो जैसे हाँ चलो छोड़ो, यू नो आई विल वोट इन योर फेवर। तो दैट्स हाउ इट्स बीन फंक्शनिंग फॉर सो लॉन्ग एंड विच इज वाई यू नो यू कैन नॉट इन एनी वे, जो पावर इनके पास है, जो बड़े बोर्ड्स के पास है, उनको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, आईसीसी कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया पैसे वाला सवाल। दूसरा तो मेरे लिए, आई मीन ये भी थोड़ा बहुत मैटर करता है कि थोड़ा बहुत क्या, कि जो इन कंट्रीज के जो खिलाड़ी हैं, अब वेस्ट इंडीज तो ठीक है, वेस्ट इंडीज का छोड़ दीजिए, बिकॉज वेस्ट इंडीज के जो स्पेशली जो T20 स्पेशलिस्ट हैं वो हर टूर्नामेंट खेलते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, बिग बैश हो गया, जो IPL हो गया, जो भी हो गया, बट बाकी जो देश हैं, जैसे जेमी मेंशन कर रहे थे, न्यूजीलैंड हो गया, उनके लिए क्लैश करता है उनके विंडो से। ऑल्सो देर आर कंट्रीज जिनके प्लेयर्स, अगर आप उस कंट्री के बेस्ट प्लेयर भी हों तब भी आपको IPL खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो ऐसी जो टीम्स हैं, एक तो उनको जो टॉप लेवल कंपटीशन खेलने का मौका मिलता है वो सिर्फ ICC टूर्नामेंट्स के थ्रू मिलता है। दूसरा, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक और बाकी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ चल रही हैं, उसकी वजह से जो जो निखिल पॉइंट ब्रिंगअप कर रहे थे कि हिंदुस्तान में अगर करोड़ों फैंस हैं क्रिकेट के, तो सबसे बड़ी गेम जो वो देखना चाहते हैं वो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब बायलैटरल सीरीज तो यहाँ होनी से रही ना, पाकिस्तान क्रिकेटर्स को इंडिया आके IPL खेलने को मौका मिलेगा, तो द ओनली प्लेस वेयर वी कैन सी दिस मैजिकल इंडिया पाकिस्तान राइवलरी अनफोल्ड इज एट एन ICC टूर्नामेंट। सो लाइक सो मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स मैन, हाउ डज एनीवन सॉर्ट दिस आउट? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सॉर्ट आउट, क्योंकि ये सालों से चल रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आज का नंबर वन T20 रैंक बैट्समैन कौन है? बाबर आजम। ठीक है, अब जिस स्ट्रक्चर ने उसको मौका दिया नंबर वन होने का, उसी स्ट्रक्चर के अंदर वो दुनिया के सबसे लुक्रेटिव T20 लीग में नहीं खेल, क्यों? क्योंकि दोनों देशों के बीच में वी नो व्हाट्स हैपनिंग देयर, सो दैट इटसेल्फ इज वन प्रॉब्लम। बाकी आपने बात की वेस्ट इंडीज बोर्ड की, वेस्ट इंडीज बोर्ड इज परहैप्स वन ऑफ द वर्स्ट
मतलब सालों से हम ये स्कैंडल, ये राव, तो इनके बीच में कभी कुछ जो है एक अलायंस नहीं हो पाया, लार्जली बिकॉज ऑफ मिसमैनेजमेंट. अ लॉट ऑफ फॉर्मर प्लेयर्स देयर एंड अप बिकमिंग द बोर्ड प्रेसिडेंट, दे हैव देयर ओन बैड ब्लड विद प्लेयर्स हु दे प्लेड विद. दीनानाथ रामनारायण की बात करें और भी ऐसे 2009 में ये द गेल्स, द पोलार्ड्स, द बिग प्लेयर्स, द नारायण, दे डिडंट प्ले अ सीरीज क्योंकि उसे सीरीज स्केड्यूल था. वेस्ट इंडीज बोर्ड पुट अप अ वेरी फ्लिमसी बी टीम एंड दे लॉस्ट टू बांग्लादेश. तो वी हैव cricket is listed is littered with examples of poor mismanagement of team and players. Ab aap pooch rahe ho ki why do West Indies players prefer to go play in leagues? That is a reflection of their of the standard of their cricket falling down, and because they know that they earn more in playing leagues. But West Indies do baar lagatar T20 World Cup jeeti hai. Isse kya saaf zahir hota hai ki this is the one format where they have the might to win it in. Is it a case of dangling a carrot for them more in playing T20s? Perhaps. So I think it's time for ICC to see ki alag alag deshon ki strengths ye hai. Let's not give one team more test matches. But how often do we see West Indies win a test series? When they beat England 2-1 last year, it was a shock. Ye kaise ho gaya, right? So perhaps you need to, rather than evaluate how the ICC has run, look at how the series are being scheduled. Is it time for tiers? Is it time for leagues? Phir wahi wahi log bolenge ki agar why does the ICC want to have a 10 nation World Cup? Because the broadcasters do not want to see Papua New Guinea playing Nepal at Edgbaston, jahan pe log dekhne nahi hai. So cricket saalon se aise hi chalta aa raha hai. We cannot really put it into one bracket. Aur ye saalon se aise hi chalta jayega because for reasons outlined on today's show as well as once before, it is such a unique sport first of all and such a unique the diversity in it is unlike any other sport which is played in the world. Iska simple sa, maybe not so simple, iska answer ye hai. Aur aap too many variables kaise players ki baat kar rahe ho na Siddharth, ki players ka kya hoga, but iska mera simple answer hai, who cares players ka kya hoga, who cares, kaun bolega, ye awaaz kaun uthayega, aap aur main utha rahe hain yahan pe platform mein. प्लेयर्स खुद हिम्मत नहीं करते बोलने के लिए, कोई प्लेयर अपने आप नहीं बोलता, ठीक है. जो बोर्ड जो लोग बातें करते हैं वो बोर्ड्स बातें करता है इन एट वेरियस प्लेटफॉर्म, वो दे डोंट थिंक ऑफ प्लेयर्स, दे थिंक ऑफ देयर ओन इकोनॉमी. तो प्लेयर्स का जो आप कह रहे हो नुकसान होगा जो नहीं खेलते इन T20 लीग में, जिनको चांस सिर्फ अपना टैलेंट दिखाने का वहां ही मौका मिलता, वो सब बात तो सही है, पर ये तभी उस पर कोई एक्शन होगा जब कोई सोचेगा ना उनके बारे में. नोबडी थिंक्स of them and neither do those players have the courage to speak, so to koi uska koi matlab is irrelevant at the moment, no one thinks of that. So last word, final points from both you guys before we wind up, I guess. Matlab isko agar hum short mein kare to Australia ka bhavishya Bharat ke haath mein hai, BCCI ke haath mein hai, bas yahi hai mera short mein ye hai. ऐसा लग रहा है क्रिकेट तो शुरू हो जाएगा, तो आई एम जस्ट हैप्पी अबाउट दैट कि लाइव एक्शन देखने को मिलेगा, चाहे वो वर्ल्ड T20 हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी हो, आई गेट टू सी सम लाइव स्पोर्ट. और एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है कि कोरोना आ रहा है, ये हम करा नहीं सकते. पॉइंट इज अगेन आई गो बैक टू फुटबॉल, जब सारी लीग शुरू हो रही है, हर जगह शुरू हो रहा है, तो ये भी तो शुरू हो जाना चाहिए. आई मीन टू गिव एन एक्सक्यूज की नहीं करा सकते वर्ल्ड T20 वेयर एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब स्पोर्ट इज स्टार्टिंग, दैट इज ऑल्सो अ बिट फ्लिमजी, बड़ा बहाना सा लग रहा है मुझे. सो इन शॉर्ट जस्ट हैप्पी कि क्रिकेट हो रहा है, कहीं भी खेल ले रहा है. I'm saying just pick up from this very valid point which Nicholas raised. जहां पे मोस्ट लाइकली दिख रहा है क्रिकेट शुरू होगा वो है इंग्लैंड. विद इन 6 to 8 weeks क्रिकेट विल मोस्ट लाइकली बिगिन देयर. But unfortunately, all the headlines are BCCI, CA, BCCI, CI. We should do a separate show on how, despite all this, the place where the fans of cricket, jinko pehli mauka milega, hume lagta hai, all signs, that will come from a test series between England and West Indies. And all the efforts being put in to make that series possible. Is pe itni charcha nahi hoti hai, unfortunately. And we in the media are also to blame. Because we tend to look for the more sensational headlines like BCCI, IPL and World T20. That's my last... No, that's a fair point and I was going to say that ye actually lead karta hai hame kafi acche se into wider conversations pura jo because jaise hum sab baki sports bhi cover karte hain to kya overall scenario hai duniya bhar mein sport ko resume karne ka, live sport ko resume karne ka, kya various permutation combinations hain, closed door mein hoga, because international events
फ्रैंकली जो है उनमें ये भी दिक्कत हो जाती है कि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत सारे अलग अलग देशों से ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो इन इनकी अलग दिक्कतें हैं। सो आई विल हम लोग आपको पकड़ेंगे दोबारा इस पे और बात करने के लिए किसी और शो पे, जहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल हम स्पोर्ट को देख सकते हैं। आप हाँ इंग्लैंड को देख रहे हो कि वो करेंगे अनलेस बीसीसीआई बीट्स इंग्लैंड टू इट एंड गोज टू श्रीलंका इन जुलाई, कुछ पता नहीं है ऐसे के लिए खेलना कुछ नहीं तो मैं, इनफैक्ट ये भी काफी इम्पोर्टेंट सवाल है, बिकॉज लाइक शुड स्पोर्ट बी हैपनिंग एट ऑल, एंड यू नो व्हाट इज द फ्रेमवर्क इन प्लेस, हाउ कैन बी इंश्योर इट, बिकॉज लाइक अब जर्मनी में लीग शुरू हो चुका है, फुटबॉल जो लीग है बुंडेस लीगा, एंड दैट लीग आई मीन हम फुटबॉल देखते हैं इसलिए हम बुंडेस लीगा के बारे में जब बात करते हैं तो वी ओनली टॉक अबाउट फुटबॉल, बट द फैक्ट इज बुंडेस लीगा मीन्स लाइक बेसिकली अ नेशनल लीग एंड दैट एग्जिस्ट इन जर्मनी फॉर ऑल स्पोर्ट्स। So, it's worthwhile talking about what other sports are doing also and what's happening overall in the scenario and how safe it is for viewers. Of course, we want entertainment, but we also want our athletes, our heroes, icons to be safe. And also we want like the world to kind of move away from the spread of this virus and not sort of further complicate the matters because we are too impatient and we want sport to be back. So worth talking, and I think we'll all take different sides on this, so it might be a fun chat. Look forward. Yep. All right, Nikhil started the show, but I'm going to wind it up. Thank you so much for watching this episode of 575 Ounces. Please write in to us, follow our new Instagram handle, which is NewsClicks at NewsClicks Sports. And yeah, keep in touch. Thanks for watching. Bye-bye. Thank you.